दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा पोल्ट्री फार्मिंग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत से लोग फेल भी हो जाते हैं और बहुत से लोग सफल भी हो जाते हैं। तो आप पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से करिएगा ताकि आप भी सफल हो जाएं, और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत लकी साबित हो और आप इससे लाखों रुपये घर बैठे महीना कमाएँ। तो दोस्तों मेरे तरीके से आप पोल्ट्री फार्मिंग करिएगा, आप बहुत ही आसानी से पोल्ट्री फार्मिंग से लाखों रुपये कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैं पोल्ट्री फार्मर हूं और आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ठंडी में पोल्ट्री फार्मिंग करने में कुछ और बात होती है। ठंडी में कंपनी अलग ब्रीड देती है जो अच्छे से तैयार होता है और अच्छा पैसा दे कर जाता है, लेकिन दोस्तों पोल्ट्री फार्मर को गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि पोल्ट्री फार्म किया कैसे जाए। अगर पोल्ट्री फार्म के अंदर में धूप आ रही है या पोल्ट्री फार्म बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चे मर रहे हैं, तो क्या व्यवस्था किया जाए और कैसे आप गर्मी में पोल्ट्री फार्मिंग करके सक्सेस हो सकते हैं? दोस्तों गर्मी में पोल्ट्री चिक्स का जो मीट जाता है, चिकन जाता है, दोस्तों रेट बहुत अच्छा रहता है। अभी हमारे गांव में एक लोग का कल उठा है बच्चा, लगभग 117 रुपये पर केजी के हिसाब से उठा है। दोस्तों गर्मी में आपने यहाँ ठंडी में आपने जहाँ देखा था 80-82-84 रुपये रेट रहता था, वहीं गर्मी में 117 रुपये रेट के हिसाब से उठा है। लेकिन दोस्तों फिर भी लोग गर्मी में पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, कभी आपने सोचा है? दोस्तों ठंडी में हमने खुद लाख लाख रुपए बचाया हुआ है, लेकिन दोस्तों गर्मी आते आते मुश्किल से 50,000-60,000 रुपए पर हम ठप हो जाते हैं। कारण क्या होता है? और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग गर्मी में करते हैं और पैसा कमा नहीं पा रहे हैं तो क्या व्यवस्था आपको करना चाहिए पोल्ट्री फार्म पर? शाम का समय है दोस्तों, पोल्ट्री फार्म ये देखिए जस्ट हमारे पीछे ही आपको दिख रहा होगा, हमारा बड़ा वाला पोल्ट्री फार्म, और दोस्तों ये हमारा छोटा वाला पोल्ट्री फार्म है। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे जो हमने रेंट पर लिया हुआ था, और एक पोल्ट्री फार्म है और आपको दिखाता हूँ, ये मेरे अंकल जी का पोल्ट्री फार्म है। मैंने आपको दिखाया था कि हमारे आस पास 3 पोल्ट्री फार्म है। दोस्तों हमारे गाँव में 10 पोल्ट्री फार्म है, लेकिन दोस्तों और दूसरी तरफ है। तो आज मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ कि मैंने क्या व्यवस्था किया हुआ है गर्मी में, ताकि आप भी यही व्यवस्था कर लीजिए और आप भी पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमाइए। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी रहेगी, तभी आप पोल्ट्री फार्म से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज मैं अंदर से अपना पोल्ट्री फार्म आपको नहीं दिखाऊंगा, इतना बता देता हूं। दोस्तों आज हमारे 28 दिन के बच्चे हो गए हैं, और 28 दिन में बच्चों का वेट बहुत अच्छा खासा आपकी बार आया है। दोस्तों हमने भी बहुत अच्छी व्यवस्था किया है, अगर आप भी ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आपका भी अच्छा खासा वेट आ सकता है। अगर दोस्तों वेट अच्छा रहेगा, FCR ठीक ठाक रहेगा, तो आप गर्मी में भी लाखों रुपये कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि हमने व्यवस्था क्या किया हुआ है, और आप भी ऐसी व्यवस्था कर लीजिएगा अगर आपके भी पोल्ट्री फार्म पर हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चे मरते हैं, तो ये दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली बात दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे जो सीमेंट की चद्दर रखी हुई है उसके ऊपर आपको पूरा सरपत दिख रहा होगा। तो आप ये काम जरूर करिएगा ताकि जब आप फुहारा चलाएं तो सरपत पूरा भीग जाए, और जब भीग जाएगा तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म अंदर से ठंडा होगा। अभी तो हमारे तरफ मौसम ख़राब है, आज बारिश भी हुई है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दोस्तों जब धूप रहती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ दोस्तों हमने छप्पर लटका के रखा हुआ है, और आपको पूरा पोल्ट्री फार्म में ऐसे दिख रहा होगा। दोस्तों ये छप्पर हमने क्यों लगाया हुआ है आप ये चीज़ जान लीजिए, जब सूरज पश्चिम की तरफ जाता है तब दोस्तों धूप अंदर में जाती है, अगर धूप अंदर में जाएगी तो बच्चों को गर्मी लगेगी, फिर दोस्तों इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, बच्चे मर सकते हैं। तो आप ये काम जरूर करिएगा, आप इसे छप्पर लटका दीजिएगा हल्का हल्का पतला पतला बांध के, ताकि अंदर में धूप ना जाने पाए। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उधर चल के, हमने दोस्तों पर्दा लगा के रखा हुआ है और आपको अंदर दिख रहे होंगे चिकन, और दोस्तों ये लगभग आज 28 दिन के हो गए हैं और अच्छी खासा इनका वेट आ रहा है। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मर हैं, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी तो दोस्तों मौसम ठंडा है, फव्वारे की ज़रूरत है नहीं आया, लेकिन आप ये देखिए दोस्तों ये जो हरा वाला कपड़ा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भीगने के बाद जब हवा चलती है तो दोस्तों हवा इससे छन कर जाती है, और जब इससे हवा छन कर जाती है दोस्तों तो बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर में जाती है, और आपको बच्चे दिख रहे होंगे बैठे हुए, तो आज 28 दिन के बच्चे हो गए हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा हमने लगा कर रखा हुआ है, हमने आपको एक वीडियो में इसको बताया था, लेकिन दोस्तों हमने अंदर से आपको दिखाया था, आज आप बाहर से देख लीजिए, और फुहारा आपको दिख रहा होगा ऊपर लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी हमने फुहारा चलाया नहीं है, इतना ज़्यादा दोस्तों गर्मी है नहीं, मौसम बहुत प्यारा हो गया है, और अगर ऐसा मौसम रहा तो दोस्तों आपकी दुआ होगी तो अब की बार गर्मी में भी 1 लाख रुपए
कमा के दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिएगा। हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे। पोल्ट्री फार्मिंग से आपको कैसा पैसे कमाना है आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी बात आप मेरे बताए अनुसार समझ गए होंगे। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, लाते हम आपके लिए और नई जानकारी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।